बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुलशन हाई स्कूल ऑनलाइन लेक्चर सिस्टम। आई होप यू विल बी फाइन। टुडे आवर सब्जेक्ट इज़ मैथ फॉर क्लास फिफ्थ, यूनिट नंबर वन, एक्सरसाइज नंबर 1.1। जी स्टूडेंट्स, हम यूनिट नंबर वन की एक्सरसाइज नंबर 1.1 करने जा रहे हैं, जो कि है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द नंबर सिस्टम। जी ये क्वेश्चन नंबर वन जो है, ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनको हमने वर्ड्स में राइट करना है अकॉर्डिंग टू द नंबर सिस्टम। जी तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो नंबर सिस्टम जो है वो कौन सा है। आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी कि फोर्थ में आपने पढ़ा होगा कि ये जो नंबर सिस्टम है ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम कहलाता है, जो कि मिलियन बिलियन का सिस्टम है। यानी कि मिलियन बिलियन सिस्टम के अंदर हम जो हर थ्री डिजिट के बाद कॉमास जो है वो पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि हर थ्री डिजिट के बाद जो है वो कोमा जो है वो पुट किए गए हैं, तो ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है, जो कि मिलियन बिलियन का सिस्टम भी कहलाता है। तो हम इस अमाउंट को पहले रीड करेंगे कि ये अमाउंट कहाँ तक है, फिर हम इसको वर्ड्स में राइट करेंगे। जैसे कि ये मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, तो ये अमाउंट बनती है 24,315,672। जी इसी तरह क्वेश्चन नंबर फोर है, ये अमाउंट एक दी गई है जिसको हमने वर्ड्स में राइट करना है। तो ये देखें, मैंने आपकी आसानी के लिए ये जो मिलियन बिलियन सिस्टम के जो है इनको मैंने इनके हाउसेस जो हैं वो राइट कर दिए हैं, ताकि आपको इस अमाउंट को पढ़ने में डिफ़िकल्टी ना आए। तो मैंने जो है वो हर यूनिट के हाउसेस जो हैं वो यहाँ राइट किए हैं। ये देखें, यूनिट के जो थ्री हाउसेज हैं, यूनिट 10, 100, ये यहाँ पर राइट किए हैं। इसके बाद थाउजेंड के जो हाउसेज हैं, 1,000, 10,000 एंड 100,000। इसके बाद मिलियन के हाउसेज हैं, वो हैं मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। तो इस तरह लिखने से आपको एक तो इस अमाउंट को पढ़ने में भी आसानी होगी और उसको राइट करने में भी आसानी होगी। तो आपने क्या करना है, अगर आपको वैसे सिंपली इस अमाउंट को पढ़ने में डिफ़िकल्टी आ रही है, तो आप इस तरीके से एक कॉलम बनाएं और कॉलम बना के हर डिजिट को उस हाउस के अंदर जो है वो पुट कर दें। और इस चीज़ को खास ख्याल रखना है कि जब आपने इन नंबर्स को इन हाउसेस के अंदर लिखना है, तो आपने इसको राइट साइड से इसको लिखना शुरू करना है। कि यानी कि पहले वन लिखेंगे, फिर फाइव, फिर वन, फिर थ्री, सेवन, फोर, सिक्स, फाइव और थ्री। इस तरीके से हम इसको हर यूनिट जो हर हाउस है उसके अंदर इसको हम पुट कर लेंगे, तो हम फिर देखेंगे कि ये अमाउंट जो है वो कहाँ तक जो है वो बनती है। तो ये अमाउंट जो है हमारी 100 मिलियन तक जो है वो होगी, क्योंकि ये 9 डिजिट नंबर है, इसलिए ये 10 मिलियन तक ये अमाउंट जाएगी। तो हम इसको इसी के अकॉर्डिंग जो है वो नीचे वर्ड्स में राइट करेंगे। तो ये होगा 356,473,151। जी इसी तरह क्वेश्चन नंबर एट है, यहाँ पे हम इनको इसी सिस्टम के तहत लिखेंगे, यानी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसको राइट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास अब अमाउंट हो गई है 10 डिजिट नंबर, तो हम इन 10 डिजिट नंबर को भी इसी मिलियन बिलियन के सिस्टम के अकॉर्डिंग ही वर्ड्स में राइट करेंगे। तो ये आपकी सामने मैंने इसी तरह वो यूनिट 1,000 मिलियन और बिलियन के हाउसेस मैंने बनाए हैं, और बनाने के बाद उनको हर डिजिट को उन हाउसेस के अंदर पुट कर दिया है। और पुट करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट बनती है वो है 4,321,654,135। जी स्टूडेंट्स, ये बाकी इसके जो इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो इसी मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो आप इनको राइट करेंगे। इसी तरह नंबर्स में इनको वर्ड्स के अंदर इनको लिखेंगे। इनको लिखने के बाद आप इनको अपनी इसको जब आप अच्छी तरीके से कॉपी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, तो आप इसको होमवर्क की कॉपी के ऊपर भी आप इसको नोट करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।